दैट इज टाइगर हिल. सी यू. पाकिस्तानी लोगों का बंकर्स वगैरह भी दिखाई देता है. आर यू ऑल राइट? हे एवरीवन, तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है 5 जून 2022 और आज से मेरा लद्दाख ट्रिप शुरू होता है. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 2:15. सबसे पहले मैं नीचे जाऊंगा पार्किंग में, लगेज टाई करूंगा, देन जर्नी स्टार्ट होगा. तो फाइनली लगेज टाई हो गया और सबसे पहले मैं ट्रिप मीटर को करता हूँ 0, ट्रिप ए सेट टू 0, ट्रिप बी को करता हूँ 0, ट्रिप ए में मैं एवरीडे का राइड का हिसाब रखूंगा और ट्रिप बी में टोटल मेरा राउंड ट्रिप कितना हो गया वो हिसाब रहेगा. ऑल राइट, तो टाइम हो रहा है अभी 3:34. तो आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर द ड्रीम जर्नी लद्दाख. तो जर्नी को शुरू करते हैं माता का नाम लेकर, जय माता दी, रक्षा करना. तो निकल चुके हैं अपना ड्रीम राइड के लिए, कोलकाता टू लद्दाख. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुजीत एंड यू आर वाचिंग कोलकाता राइडर सुजीत. सो दिस इज डे 1 ऑफ माय ड्रीम राइड कोलकाता टू लद्दाख. तो इस जर्नी में मैं हर चीज आपको दिखाऊंगा, लाइक कितना खर्च आया, कौन सा रूट लेना चाहिए, कितना टाइम लगा, क्या डिफिकल्टीज है और सीन के बारे में तो बोलना ही नहीं है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं या घूमने के शौकीन हैं, तो आपने बहुत सारा लद्दाख का वीडियो देखा होगा. बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, क्योंकि इसमें मैं हर एक छोटी छोटी चीजें कवर करूंगा, लाइक कहाँ पे स्टे करना चाहिए, कितना खर्च आया, कौन सा रूट लेना चाहिए. तो पूरा वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ इस ड्रीम राइड का मजा लीजिए. तो आज का जो मेरा डे 1 का प्लान होगा, मैंने टारगेट सेट किया है यहाँ से वाराणसी का. तो अभी नाइट है तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, कि जो भी बेस्ट होगा वही सीन मैं आपको दिखाऊंगा. वीआईपी हाईवे कनेक्ट हो गए हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर. तो यहीं से माता को प्रणाम करते हैं, जय माता दी, जर्नी को सफल कीजिए. और अभी आ चुके हैं बाली ब्रिज. फिलहाल मैंने फॉग लाइट को बंद कर दिया है, क्योंकि आई नो सामने से जो व्हीकल आता है उन लोगों को फॉग लाइट बहुत ज़्यादा लगता है. सो आई विल ओनली यूज़ दिस फॉग लाइट एट इमरजेंसी, जब मेरे को ज़रूरत होगा. तो अगर आप भी फॉग लाइट सेट करवाया है तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप फॉग लाइट जलाते हैं तो सामने से जो व्हीकल आता है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो जब ज़रूरत हो तभी उसको जला के रखें. तो NH2 NH6 के लिए राइट, मैं कनेक्ट करूँगा NH2 पे. ओह, NH2 में आके क्या खुशी मिलता है ना, एक कोलकाता का बाइकर ही समझ सकता है. और यहाँ से मेरे को लेना है दिल्ली रोड, तो मैं जाऊँगा स्ट्रेट. तो सुबह सुबह फंस चुके हैं ट्रैफिक जैम में. मेरे को पता था इस रोड में तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, बट अपना ब्लैक पैंथर निकल जाएगा थोड़ा सा भी जगह मिलने से. बट सैडल बैग भी लगा, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को जगह देखकर निकालना होगा. तो आज का दिन का पहला टोल प्लाजा, डानकुनी टोल प्लाजा, एंड द टाइम इज 4:15. तो अभी यहाँ से लगता है जैसे डानकुनी हम लोग क्रॉस करते हैं ना, तो लगता है कि अब कोलकाता से बाहर निकल चुके हैं. तो जब कभी भी आप ओवरटेक कर रहे हैं स्पेशली नाइट में, तो डीपर एक बार ज़रूर दीजिए. और मैंने जो रूट डिसाइड किया है, शक्तिगढ़, बर्धमान, दुर्गापुर होकर मैं जाऊँगा. तो आज मैं टोटल 3 स्टेट कवर करूँगा. एक तो मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, देन आएगा झारखंड, देन बिहार, एंड फाइनली आई विल एंटर इन उत्तर प्रदेश. ब्यूटीफुल नज़ारा
फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। कैमरा ऑन करने का एक ही रीज़न है, नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा मेरे को, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो अभी मैं एंटर करने वाला हूँ शक्तिगढ़, जो कि मेरा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है। सो फार सुपर कूल। बर्धमान ओनली 22 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, मेमोरी 6 किलोमीटर। तो अभी पीछे क्या हुआ कि मैं थोड़ा ट्रैफिक जैम में फंस गया था, तो एक एम्बुलेंस वाले भाई साहब ने मेरा बाइक के पीछे तिरंगा झंडा लगा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ भी है कोलकाता टू लद्दाख। तो आई थिंक वो देख कर के उन्होंने क्या किया, हालांकि एम्बुलेंस में पेशेंट नहीं था, बट उन्होंने सायरन बजा कर पूरा ट्रैफिक खाली करा दिया और मेरे को इशारा किया कि आप निकल जाओ। सो बिग थम्स अप। तो ये भाई साहब एम्बुलेंस वाले आ गए हैं, इशारा दे रहे हैं। यस चलिए, जय हिंद। दीज आर द मोमेंट विच मेक मी फील प्राउड। मतलब ये भी बोलते रहे पागल है क्या, तो बाइक लेकर के इतना लंबा कोई टूर करता है, बट दिस इज कॉल्ड पैशन। ये इससे मैटर नहीं करता है कि आप बाइक लेकर जा रहे हैं क्या लेकर जा रहे हैं, आपका पैशन किस चीज़ में वो मैटर करता है। बहुत लोग हैं कोलकाता से ही, बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि लेह लद्दाख पैदल गए हैं, साइकिल से गए हैं, केदारनाथ गए हैं। तो मतलब क्या होता है ना कि इंसान का जो पैशन है वो एक मतलब भीड़ से कुछ अलग कैटेगरी में स्टैंड करता है। इफ़ यू हैव अ पैशन जस्ट गो एंड फॉलो इट। अगर आप सोचेंगे ना कि टाइम आएगा आएगा, टाइम विल नेवर कम। तो अभी एक छोटा सा स्टॉप लेंगे। सो आई हैव कंप्लीटेड 102 किलोमीटर एंड द टाइम इज 5:15। सो हियर आई हैड टेकन ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन ब्रेकफास्ट यहाँ पे था नहीं, तो मैं एक और बाइक आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ फुली लोडेड बाइक, दिस इज़ माई टैंक बैग, हेयर आई हैव मैप। श्रीनगर होकर के मैं लद्दाख उठूँगा और मनाली होकर के मैं वापस आऊँगा। तो इसमें पूरा सर्किट का मैप है, सैडल बैग, टेल बैग एंड हेयर कोलकाता टू लद्दाख। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया था, सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच लवली बैनर एंड दिस इज़ इंडियन फ्लैग। अभी मैंने यहाँ से लोकेशन सेट कर दिया है वाराणसी का। करीब 45 मिनट का ब्रेक हो गया है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा फोटो सेशन वगैरह किया और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के लिए अपडेट्स मैं डाला यहाँ पे। तो अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं, और मैंने लोकेशन सेट कर दिया है वाराणसी का, और यहाँ से टाइम दिखा रहा है 11:15 एंड द किलोमीटर इज़ 590। तो मैं सोच रहा हूँ एक ही बार झारखंड इंटर करने के बाद बाइक को भी खाना खिलाऊंगा और मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगा, क्योंकि आपको पता है झारखंड में थोड़ा फ्यूल का रेट कम है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में मैं कुछ लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके बगैर ये मेरा ड्रीम राइड पूरा नहीं हो पाता। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू विवान सुजुकी सर्विस सेंटर स्टाफ, जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया और इतना अच्छे से बाइक सर्विस किया कि बाइक इज़ रनिंग लाइक अ मक्खन। देन आई वुड लाइक टू थैंक टू माई मैनेजर एंड मैनेजमेंट ऑफ माई कंपनी and all my colleagues who will be supporting my team in absence of me। क्योंकि क्या होता है प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करते होंगे तो पता है कि छुट्टी मिलना कितना मुश्किल होता है, और ये एक दो दिन का छुट्टी नहीं है, इट्स गोना बी अराउंड 3 weeks ऑफ लीव। दिस इज़ रियली रियली चैलेंजिंग, बट आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक्स टू माई मैनेजर एंड जिन लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया, लाइक आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे व्यूअर्स लोग, क्योंकि आप लोग जो वीडियो देखते हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं लाइक करते हैं,
तो उससे रियली मेरे को मोटिवेशन मिलता है इस तरह का जर्नी करने का और वीडियो बनाने का। तो कीप लविंग एज यू आर लविंग। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स आते रहते हैं। एंड सूरज चाचू जाग चुके हैं, सो गुड मॉर्निंग सूरज चाचू। टुडेज़ ट्रिप इज़ गोना बी द लॉन्गेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ टिल डेट, क्योंकि इससे पहले मैंने अराउंड 600 किलोमीटर तक का राइड किया है एक दिन में, बट आज का राइड 600 प्लस होने वाला है। 24 किलोमीटर बांकुरा 71 दार्जिलिंग 519। तो दार्जिलिंग ऑलरेडी मैं होके आया हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा सिक्किम सीरीज नहीं देखा है, ब्यूटीफुल सिक्किम मैंने नाम दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज बना है, आप एक बार ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए। आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। और ये नीचे ट्रेन जाते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ओह गजब। तो अभी तक का जो रोड मिला है रियली दैट इज़ गुड। अभी आगे देखते हैं, क्योंकि अभी मैं झारखंड में एंटर करूँगा, फिर बिहार, देन उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे एक एक्सीडेंट सुबह सुबह, ओ भाई साहब ने पूरा ऊपर ही चढ़ा दिया है। सो हेयर आई गॉट वन मोर राइडर, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो डूइंग लॉन्ग राइड, लैगेज देख करके ही पता चल रहा है। বন্ধু আছে কোথা আজকে দেখি কত কত করতে পারি মানে মোটামুটি টার্গেট কি আছে টার্গেট আছে বকনা দুকে দেখি হ্যাঁ চলো অল দ্য বেস্ট তবে থোড়া থোড়া ভুক ভি লাগ রহা হ্যায় ক্যুকি 3:30 বাজে মাই নিকলা হুঁ আর জাগা হুয়া হুঁ রাত কে 1 বাজে সে রাত কে 1 বাজে সে প্রিপারেশন স্টার্ট হুয়া থা। और रात भर ठीक से नींद भी नहीं आया, मतलब मैं 10 बजे बेड पे गया तो आपको पता है कि एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, जिसके वजह से नींद बिल्कुल भी नहीं आया। और 1 बजे उठ करके मैंने तैयारी शुरू कर दिया, तो भूख लगना स्वाभाविक सी बात है। और शक्तिगढ़ में जो रुका था वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला, तो सिर्फ एक चाय पिया था। तो झारखंड के भाई लोग जय जोहर, तो स्वागत है आपका झारखंड में। तो दिस इज़ द बॉर्डर, ये जो नदी है, आई डोंट नो द रिवर नेम, बट दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड झारखंड। कितना करके लीटर है यहाँ पे? 100 रुपया 26 पैसा, बहुत कम है भैया, इसलिए हम कोलकाता से पेट्रोल नहीं भरा है, डायरेक्ट यहाँ आ गए। कितना आया? 10.3। तो टोटल डायरी में मैंने नोट कर लिया है, टोटल लीटर आया 10.3 लीटर, अमाउंट 1006। हाँ जी, सुजुकी जिक्सर SF250, 250 cc। आने के लिए थोड़ा लद्दाख का प्रैक्टिस हो गया, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। तो अभी ये स्टॉप लिया है गोविंदपुर में। कोलकाता से अभी तक मैंने कर लिया अराउंड 300 किलोमीटर, बहुत ज़ोरों से भूख लगा था, एक तड़का एंड रोटी, तो खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। एंड द टाइम इज़ 8:27। ₹5 का एक तड़का, ₹30 का एक मैंने डबल डीम का ऑमलेट लिया, और टोटल मैंने 3 रोटी खाया ₹5 पर पीस। तो ओवरऑल ठीक ठाक था, बट तड़का मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। और अभी गर्मी पूरा बढ़ चुका है, तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो। कीप योर स्पीड इन लिमिट, क्योंकि सामने से रॉन्ग साइड से कब गाड़ी आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। रास्ते में गाय भैंस भी आ जा रहा है, तो
तो बरही यहाँ से 116 किलोमीटर, धनबाद लेफ्ट 7 किलोमीटर, बोकारो 58, वाराणसी का बोर्ड फटा हुआ है। ओह, और ये खतरनाक वाला सीन सामने आप देख पा रहे होंगे, पहाड़। ओ माय गॉड, ऑसम, ब्यूटीफुल। ओ भाई साहब, अभी एक बोर्ड गया उसमें दिल्ली 1230 किलोमीटर लिखा था, बट इसके पहले मैंने देखा था ये 1100 समथिंग किलोमीटर। या तो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या फिर बोर्ड बनाने वाले ने गलती किया है। चलिए कोई नहीं, अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो सारा क्रेडिट गूगल को जाता है, अगर उन लोगों ने गलती किया है तो उसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को जाता है। वो पहाड़ काफ़ी सुंदर लग रहा है ना, पूरा एकदम पिरामिड जैसा लग रहा है। वहाँ पहाड़ के ऊपर एक मंदिर दिख रहा है, आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है कि नहीं, बट दैट इज़ द पारसनाथ टेम्पल आई गेस। ये क्या है भाई, ये सब ओरिजिनल है? तलवार पाप ले जा सकते हैं, लाइसेंस लगता है इसके लिए? नहीं, नहीं। ऐसे एक तो थोड़ा दिखाओ भाई। ओह क्या गजब चीज़ है भाई साहब, ऐसा तुम YouTube पे भी आ जाओगे बाबू। हाँ तो ये रहा तलवार, क्या जगह का नाम है ये? तोप चाची। अच्छा, बहुत सही तलवार है भाई। मैं धार नहीं है इसमें? धार अलग से दिलवाना पड़ेगा? इसलिए तो लाइसेंस नहीं लगता। अच्छा, धार लेने से लाइसेंस लगेगा? कितना दाम है इसका? 12.5। चला चला। वो पहाड़ पे क्या है, वो पारसनाथ मंदिर वही है? हाँ। ओके, तुम्हारा नाम? एमडी आजाद। चलो बाबू ठीक है। और एक भाई ने हाथ दिखाया, आई थिंक ही इज ऑल्सो गोइंग टू लद्दाख। तो भाई बाइकिंग ब्रदरहुड इसी को बोलते हैं। ट्रक के ऊपर कभी आपने ट्रेन को देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए। और ये अद्भुत नज़ारा मिला है मेरे को झारखंड में। तो भाई साहब अभी का अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी हो रहे हैं 10:17 और अभी से इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। मतलब लग रहा है आग का, जैसे आग से होकर के धुआं आता है ना, उस टाइप का हवा आ रहा है जो कि पूरा बॉडी को एकदम हिट कर दे रहा है। बट नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट ये भी सोच के मैं परेशान हो जा रहा हूँ कि अभी सिर्फ बज रहे 10, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे क्या होगा। तो अभी मैं रुका हूँ थोड़ा गन्ना का जूस पीने के लिए। बनाइए भैया थोड़ा बढ़िया सा पुदीना वगैरह डाल करके एकदम मस्त। जगह का नाम क्या है? तो जगह का नाम है अटका। गर्मी का राहत के लिए गन्ने का जूस। भाई साहब अगर इस गर्मी में राइड कर रहे हैं ना तो हाइड्रेशन पैक इज़ मैंडेट। इवन मैं हाइड्रेशन पैक लेके आया हूँ बट पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा है कि मैं पी नहीं पा रहा हूँ। तभी ये 5-6 किलोमीटर से ऐसे ही चलता आ रहा है डाइवर्शन वाला रोड। फिर देखते हैं कितना दूर तक डाइवर्शन वाला रोड मिलता है, फिर आगे का अपडेट आपको देते हैं। अभी जब बाइक थोड़ा स्लो कर रहा हूँ तो न जाने पीछे का चक्का से क्यों एक घी घी करके आवाज़ आ रहा है। रुक के मैंने चेक भी किया बट कुछ फंस भी नहीं रहा है, ऐसा आवाज़ आ रहा है जैसे टायर में कुछ फंस रहा हो।
तो यहाँ पे वन इंफॉर्मेशन बोर्ड, बरही चौक 2 किलोमीटर, चौपारण 20 किलोमीटर, हजारीबाग 38। सो दिस इज 6th टोल प्लाजा फॉर द डे। द टोल प्लाजा नेम इज रसोईया ढामना, बरही में आता है ये। ओह लुक एट इट, तो यहाँ पे रुके हैं यहाँ का फेमस खीर मोहन खाने के लिए। और बाइक में भी आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी मैं चेक करता हूँ कि क्या इश्यूज है। तो अभी रुके हैं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, चौपारण जगह है। तो यहाँ का फेमस भी ट्राई कर रहे हैं खीर मोहन, तो एक बार ट्राई करने के बाद आपको बताते हैं कैसा है। वन वर्ड, ऑसम। अगर इस रास्ते से आप जा रहे हैं इसको जरूर ट्राई कीजिए, इट्स रिकमेंडेड। टेस्टी खीर मोहन खाने के बाद पूरा फुल टू एनर्जी, और रियली में खीर मोहन बहुत अच्छा लगा खाने में। तो मैंने ओनली 2 पीस खाया 30 रुपीज़ का। और मेरा बाइक में जो प्रॉब्लम हो रहा था, नया चेन लगवाया था बाइक में, तो वह पूरा सूख चुका था, आई डोंट नो वाई। तो मैंने ल्यूब कर दिया है, तो अभी तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आई थिंक आई हैव टू कीप इट लिविंग आफ्टर एवरी 300 और 400 किलोमीटर। और अभी आई थिंक ये घाटी का रास्ता स्टार्ट हो चुका है। बिहार बॉर्डर, सो आई एम एंटरिंग ऑफिशियली इन बिहार। जैन सर, सो बिहार के रहुआ लोग कैसन बा? जो भी मेरे बिहार के फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो द टाइम इज 12:49। आई थिंक इसी रास्ते को शेर घाटी बोला जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर किसी को पता है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, इज दिस शेर घाटी। टायर फट गया गाड़ी का, ओह माय गॉड। और गर्मी में ये हमेशा होता है, तो जब भी आप समर सीजन में आप राइड कर रहे हैं तो ऑलवेज कीप चेकिंग टायर प्रेशर। तो हेयर सम इंफॉर्मेशन बोर्ड केम, दिल्ली 1012, कानपुर 527, इलाहाबाद 335, वाराणसी ओनली 228 किलोमीटर, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर चेक किया, इट्स कमिंग 40+, कैन यू इमेजिन 40+ टेम्परेचर में राइड कर रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि हर एक 20 से 30 किलोमीटर चलाने के बाद पूरा बॉडी हीट हो जा रहा है, डिहाइड्रेट जैसा हो जा रहा है। तो ग्लूकोन डी और नॉर्मल पानी पी रहा हूँ। हेवी एक्सीडेंट हुआ यार, ओ शिट। शिट। और एक लंबा सा ब्रिज, बट अगेन आई डू नॉट नो द रिवर नेम। अरे भैया आगे पीछे देख तो लो यार। ओह माय गॉड, ओ क्या हो रहा है ये। अरे यार ये बिहार में क्या प्रॉब्लम है भाई, कहीं भी पेट्रोल पंप पे हवा ही नहीं है। कितना करके लीटर है? 108। तो अभी यहाँ पे रुका था टायर प्रेशर और थोड़ा पेट्रोल भराने के लिए। थोड़ा पेट्रोल इसीलिए क्योंकि फिर से पेट्रोल महंगा हो चुका है, तो 200 का और पहले से भी पेट्रोल है,
तो आराम से पहुंच जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अगर यूपी में भी सेम रहेगा तो आई विल गेट इट रिफ्यूल्ड देयर। तो अभी का अपडेट कुछ ऐसा है कि ऑलरेडी मैं सासाराम में आ चुका हूँ। अभी जस्ट 50-60 किलोमीटर के बाद बिहार एंड यूपी का बॉर्डर है। 250 वर्सेस शताब्दी एक्सप्रेस। ये क्या बॉर्डर है भैया? यूपी एंड बिहार का? अच्छा अच्छा, उधर यूपी है। यहाँ से 20 किलोमीटर जाइएगा तो यूपी पड़ेगा। अच्छा, ये क्या जगह का नाम है? ये जगह का है बिहार है। हाँ, जगह का नाम किलिखनी। किलिखनी, ठीक है भैया, ठीक है, चलिए, थैंक यू। टोल प्लाजा नंबर 9 फॉर द डे। उत्तर प्रदेश में स्वागत है। तो फाइनली आई एंटर्ड इन यूपी एंड द टाइम इज 4:40। ओह माय गॉड, एक दिन में 4 स्टेट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, देन उत्तर प्रदेश। ओह ग्रेट, आई एम प्राउड टू हैव दिस बीस्ट। जब मैं इसका ओनरशिप रिव्यू बनाया था उस समय बोला था रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के बारे में। एक चीज़ और अभी मैं ऐड करूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड 250 सीसी बाइक इन इंडियन मार्केट। और यहाँ से गंगा का सुंदर नज़ारा। तो देवों और संतों की नगरी बनारस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा स्ट्रेट दिल्ली रोड पकड़कर, और जो भी आसपास में होटल मिलेगा होटल में स्टे करूँगा। एंड टोटल किलोमीटर टिल नाउ आई हैव कवर्ड 710 किलोमीटर। टाइम इज 5:29। रूम होगा सर? रूम क्या है, क्या बजट का? हाँ सर, रूम तो ठीक है, रेट का सर आप थोड़ा कर दीजिए 1000। हाँ सो दिस इज द होटल एंड आई विल गिविंग यू द रूम टूर। ये रूम है। सो दिस इज वॉशरूम। हियर आई एम। वॉशरूम काफ़ी स्पेसियस है। गीजर, टीवी, यहाँ पे सारा लगेज, एसी, फैन, एक छोटा सा बेड, और ये मेरा हेलमेट, फोन, लाइट। तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा है रूम का, छोटा है बट अच्छा है। इसका जो रेट आया मेरे को दैट इज़ 1400। आप ऑलरेडी अपने कन्वर्सेशन देख ही लिया, तो रोड पे है इसके वजह से मैंने लिया है। ऑल राइट फ्रेंड, तो मैंने जो रूट लिया था बर्धमान, दुर्गापुर, देन मैं झारखंड घुसा धनबाद। धनबाद के बाद जो रोड मिला मेरे को अराउंड इट वाज अ स्ट्रेच ऑफ 60-70 किलोमीटर, वो थोड़ा बैड पैच मेरे को मिला था। बैड पैच इन द सेंस रोड खराब नहीं था, डाइवर्शन बहुत है, और जो भी रोड निकल रहा है ना दैट इज फ्रॉम द मार्केट, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो। उसके बाद जितना भी रोड है ऑल ओके, यू कैन टेक दैट रूट। अभी बात आते हैं खर्चे पे। तो खर्चा मैं एवरी डे का आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि कितना खर्चा आया, और इस सीरीज का एंड में मैं क्या करूँगा पूरा को ऐड करके आपको एक बजट प्लान भी बना दूंगा। तो कल का प्लान मैं कल मॉर्निंग में डिस्क्लोज करूँगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, थैंक यू।